हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वहाल कंपनी के ट्रिमर्स की। तो गाइज, ये जो ट्रिमर है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कैसा ट्रिमर है। तो गाइज, इसका 90 मिनट का बैटरी बैकअप आपको मिलता है। इसके अलावा इसको कॉर्डलेस और कॉर्डेड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट LED चार्जिंग इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी गाइज, ये यहाँ पर आपको देख सकते हो, मेड इन USA है। और इसके अलावा गाइज, ये है सबसे ख़ास बात जो है इसमें, ये वैक्यूम ट्रिमर है। तो अगर आप बियर्ड करते हो तो इसमें एक वैक्यूम लगा हुआ है, तो कलेक्टर में ये जो बियर्ड करते हो, जो हेयर्स हैं वो ये सक्शन कर लेता है और कलेक्टर में इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह। तो आपको वो मैं आप अभी अंदर दिखाऊँगा कैसे वर्क करता है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह मेड इन USA है, ट्रिमर है वहाल कंपनी का, वैक्यूम ट्रिमर है। और इसकी MRP की बात करें तो 9,715 रुपीज़ का इसका MRP है। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कॉम मिल जाते हैं। मैंने इसको किस प्राइस में परचेज़ किया है वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा गाइज, अब इसको ओपन कर लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट अपन को मिलता है, वो जो कंटेंट है वो देखते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है वो चेक करते हैं। तो गाइज, अब मैं इसको जो अपना मेन कंटेंट है इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइज, ये देखो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वहाल कंपनी का ट्रिमर। और इसमें जो सक्शन लगा हुआ है उसको बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा कैसे वर्क करता है। और इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये कंप्लीट अपन को कंटेंट्स जो मिलते हैं ये है। इसके अलावा गाइज, ये देखो गाइज, ये है इसका चार्जर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका चार्जर है और चार्जिंग करने का यूज आता है। बाकी गाइज, इसमें ये जो है ये इसमें कॉम्स वगैरह हैं और जो बाकी एसेसरीज है वो इसमें है। तो बाकी एसेसरीज को अपन देखते हैं कि कैसी एसेसरीज है और क्या क्या अपन को इसमें ये एसेसरीज वगैरह जो मिलती है कैसी है और इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार की है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। सो गाइज, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारे अपन को कॉम्स वगैरह मिल गए। तो यहाँ पे आप अपनी बियर्ड को सेट करने के लिए आप जो कॉम्स यूज करना चाहो वो ही यूज कर सकते हो। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट MM के यहाँ पे आपको ये कॉम्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऑयलिंग के लिए ऑयल की बॉटल है छोटी, ये देखो गाइज, तो इससे आप ऑयलिंग कर सकते हो क्लिप पे और ट्रिमर पे ऑयलिंग करने के लिए। ये है कॉम्ब, तो ये कॉम्ब भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है, ये अपना जो मेन कंटेंट ट्रिमर है इसको इसके जो क्लिपर्स है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आता है। तो आप बियर्ड करने के बाद में इसको लगा के आप रख सकते हो ताकि अगर ये गिर जाए तो कोई प्रोटेक्शन अच्छे से रहे। इसके अलावा गाइज, ये जो है इसको कैरी करने के लिए वहाल कंपनी का छोटा सा बैग दिया गया है, तो इसमें आप इसको रख के कैरी कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे आपको मैनुअल गाइड मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन कंटेंट की। तो गाइज, ये है ट्रिमर, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज, आपको यहाँ ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, वैक्यूम ट्रिमर है, तो वैक्यूम सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है जो कि हाई स्पीड से रोटेट करती है और आगे की तरफ से जो भी आप हेयर कट करोगे वो अंदर की तरफ कलेक्ट कर लेगी। यहाँ पीछे की तरफ चार्जिंग पॉइंट है। तो गाइज, अब मैं आपको जो कुछ कागज़ के टुकड़ों की हेल्प से इसका जो वैक्यूम सिस्टम है वो वर्क करता है या नहीं करता वो चेक करेंगे अपन, और मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ कागज़ के टुकड़े मैंने ले लिए हैं गाइज, और अब इस मोटर को मैं ऑन करता हूँ, ट्रिमर को ऑन करता हूँ और इसका जो सक्शन पावर है वो वर्क करता है या नहीं करता। तो गाइज, ये देखो गाइज, इसका वैक्यूम सिस्टम है, इस तरीके से वर्क करेगा और जो भी आप हेयर्स वगैरह कट करोगे तो वो अंदर की तरफ सक कर लेगा और अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे गाइज। ये देखो गाइज, जो कम्प्लीटली जो कागज़ के टुकड़े हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही आप ट्रिम करोगे तो वो जो बाल है वो चारों तरफ नहीं बिखरेंगे और आपको नीचे कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो बाल है वो अंदर की तरफ इसमें कलेक्ट कर लिए जाएंगे और बाद में आप इसको ओपन करके और इसको थ्रो आउट कर सकते हो। ये देखो गाइज, इस प्रकार से वापस थ्रो आउट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ट्रिमर है गाइज,
और गाइज मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज किया है, और मैंने 2000 रुपीज़ में इसको परचेज किया है। आप भी इसको परचेज कर सकते हो 2000 रुपीज़ में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। और इसके अलावा गाइज ये जो ब्लेड है वो भी बाहर निकलती है, आप दूसरी ब्लेड भी इसमें लगा सकते हो अगर ये ब्लेड ख़राब हो जाए तो। और ये ऑन ऑफ का बटन है, पीछे की तरफ चार्जिंग पॉइंट है और इसमें आप चार्ज लगा सकते हो। चार्जिंग की बात करें तो गाइज 90 मिनट का इसका बैकअप है। और इसके अलावा गाइज अगर आपकी बैटरी अगर डिस हो जाती है तो साथ में आपको एडवांटेज मिलता है कि इसको आप डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट करके इस चार्जर के थ्रू और कोड से भी यूज कर सकते हो। ये कोडलेस और कोड दोनों सिस्टम इसमें वर्क करता है, तो डायरेक्ट भी आप लाइट में लगा के और चला सकते हो। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा एडवांटेज लगा, तो इसमें बैटरी का तो कोई इश्यू आएगा नहीं। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।